हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मारुति सुजुकी की स्टार है, 2011 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। तो इसका हुआ क्या है, इसका आज मैं डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूँ। डैशबोर्ड क्यों खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि इसका इवापोरेटर कॉइल लीकेज हो चुका है। इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलूँगा आज। वैसे तो इसका इधर से साइड से निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकलेगा। जैसे वैगनर में जो दिया हुआ रहता है न्यू वाली मॉडल में, उसी टाइप का इधर इवापोरेटर कॉइल फिट किया हुआ है। इस वजह से ना इसका डैशबोर्ड खोलना पड़ेगा हमारे को। तो डैशबोर्ड खोलने के लिए क्या क्या खोलना पड़ेगा, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले मैं बैटरी की वायर निकाल देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे, पूरी गाड़ी फिट है। तो अब मैं सबसे पहले बैटरी की वायर निकालूंगा। बैटरी की वायर निकालने के बाद ये कंसोल बॉक्स से खोलना स्टार्ट करूंगा। सेम टू सेम वैगनर जो न्यू वाली मॉडल है, उसी टाइप का डैशबोर्ड दिया है, बाकी इसमें कुछ ये नहीं है। तो सब चीज़ें खोल के फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ खोलने के लिए, स्टार्टिंग प्रोसेस में लेके जा रहा हूँ। फाइनली मैं बैटरी की वायर निकाल चुका हूँ। अब मेरे को कंसोल बॉक्स खोलने के लिए सबसे पहले ये वाला जो है प्रेस वाला लॉक रहता है, इसको निकाल देंगे, हैंड ब्रेक ऊपर ले लेंगे जहाँ तक जाएगा। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं अंदर दो स्क्रू दिया हुआ रहेगा, ये दोनों स्क्रू खोलेंगे तो ये कंसोल बॉक्स का सेटअप निकल जाएगा। उसके बाद ये वाला भी निकल जाएगा अपना, इसको खींचेंगे आप। तो चलो फिर मैं ये दोनों स्क्रू खोल के ये वाला सेटअप खोलता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं यहाँ का अंदर का दोनों स्क्रू खोल दिया हूँ। उसके बाद ये वाला खींचेंगे इसको, ये निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ दो स्क्रू रहेगा, एक दो, साइड में क्लिप रहेगी, दोनों बाजू दो साइड क्लिप रहेगी। तो दोनों खोल चुका हूँ मैं। उसके बाद इसको ये अगर निकलने वाला रहेगा तो यहाँ से निकाल देंगे आप इसको। तो मैं निकाल देता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ से इसका लॉक ही निकाल दिया हूँ। इसमें ये जो कपड़ा जो रहता है, इसमें लॉक रहता है, चिपका हुआ रहता है, तो मैं वहाँ से निकाल दिया हूँ। और बाद में मेरे को चिपकाना भी पड़ेगा इसको। उसके बाद ये वाली आपका निकल जाएगा, खींचेंगे थोड़ा, देख पा रहे हैं आप। के बाद इजीली निकल गया। अब मेरे को ये गियर बॉक्स खोल के पलटी मार देता हूँ, ताकि अपने को डैशबोर्ड जो खोलेंगे ना, तो खोल के होल्ड करने के लिए सीट के ऊपर जगह आसानी से मिल जाए। इस वजह से इसको पलटी मार देंगे आगे। अब मेरे को क्या खोलने की ज़रूरत है, ये जो पट्टी देख रहे हैं आप, ये 10 नंबर, ये 10 नंबर डैशबोर्ड से अलग करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन से। उसके बाद अपने को ये वाला कवर खोलना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं खोलता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये वाला पैनल खोलना पड़ेगा, इसमें एक अंदर क्लिप दिया हुआ रहेगा यहाँ पर, ये वाली मैं क्लिप निकाल चुका हूँ, और इसको इजीली खींचेंगे तो ये निकल जाएगा, एक बार निकल गया। फिर अब मेरे को ये वाला खोलने के लिए यहाँ 10 नंबर दिया हुआ है डैशबोर्ड में, तो इसको पहले निकाल देते हैं। एक स्क्रू रहेगा यहाँ दिया है शायद, ये स्क्रू खोलता हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ स्क्रू तो नहीं, लॉक था, लॉक निकाल चुका हूँ मैं, जैसा कि देख पा रहे हैं आप निकल चुका है। उसके बाद अपने को ये सब सॉकेट में निकालना पड़ेगा, ये सब खोलना पड़ेगा, यहाँ का तो मैं बता दिया, खोलना पड़ेगा आपको। उसके बाद वो साइड का पैनल खोलना पड़ेगा, ये साइड का पैनल खोलना पड़ेगा, ये सब चीज़ें मैं सब खोलता हूँ। फिर साइड में 12 नंबर दिए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 12 नंबर यहाँ दिया हुआ है। तो ये सब 12 नंबर खोलता हूँ, कौन सी सॉकेट निकालना पड़ रहा है मेरे को। सॉकेट तो इस साइड का ही निकालना पड़ेगा, एक दो सॉकेट उस साइड का निकालना पड़ेगा, इसका केबल निकालना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें निकालता हूँ, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इसमें 4 12 नंबर नट दिया था, मैं खोल चुका हूँ इसको, और यहाँ की जो पट्टी थी वो भी खोल दिया हूँ, ये वाली पट्टी। उसके बाद ये ऊपर आ जाएगा और इसको हम नीचे होल्ड कर देंगे, होल्ड हो चुका। अब अपने को खोलने की ज़रूरत क्या है, ये केबल वायर वगैरह वायरिंग वगैरह। तो पहले मैं इस साइड का खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ का फाइनली खुल गया, अब मेरे को ये वाला ऊपर का खोल देता हूँ। ये गैस्केट को ऐसे रबर को ये करेंगे, ये इजीली निकल जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं आप। इस साइड का भी सेम वैसे ही है, यहाँ ये करेंगे इसको, खींचेंगे, इजीली निकल गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं।
तो उसके बाद ये वाला पैनल खोलना पड़ेगा, ये भी निकल गया अपना। यहाँ का 10 नंबर, ये दोनों 12 नंबर। उसके बाद ये सब सॉकेट, ये केबल, और यहाँ एक सॉकेट रहेगी। ये सब चीज़ें मैं खोलता हूँ और इंटर की सॉकेट सब निकालता हूँ, निकाल के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली इस साइड का मैंने सब खोल लिया है। ये इतनी सारी सॉकेट खोलना पड़ा अपने को, एक, ये दो, तीन, दो, पांच सॉकेट खोलना पड़ा। ये अर्थिंग का वायर जो यहाँ रहता है, और इस साइड का 12 नंबर दोनों खोलना पड़ा, यहाँ का 10 नंबर खोलना पड़ा। उसके बाद ये यूनिवर्सल जॉइंट को, स्टेयरिंग का जो यूनिवर्सल जॉइंट है उसको मैं खोल के अलग कर दिया हूँ। स्टेयरिंग लॉक करके खोल देना ताकि बाद में आपको स्टेयरिंग आउट वगैरह ना हो, इस वजह से लॉक करके खोल देंगे तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। और देख पा रहे हैं ये सब सॉकेट खोला हूँ मैं। बाकी ये दोनों केबल निकालना पड़ेगा अपने को, ये हीटर का और डायरेक्शन का दोनों केबल निकालना पड़ेगा। और एक 10 नंबर अंदर दिया हुआ रहता है, ये जो स्टेयरिंग का मोटर है उसके पीछे रहेगा। यहाँ से देख नहीं रहा, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं यहाँ 10 नंबर दिया हुआ रहता है, बाहर से कुछ इसको दिया हुआ नहीं रहता है। बस इस साइड का इतना ही खोलना पड़ेगा आपको। उसके बाद यहाँ का 10 नंबर, यहाँ का दोनों 12 नंबर खोल चुका हूँ मैं। और बाकी ये वाली सॉकेट खोलना पड़ेगा आपको, ये वाली और ये अर्थिंग की। बस और कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये रेजिस्टेंस की और आउटसाइड की। तो फाइनली मेरा सब कुछ खुल चुका है, डैशबोर्ड का जो भी खोलने का था, बाहर से तो कुछ खोलने का है नहीं इसको अभी, क्योंकि डैशबोर्ड विथ एंगल के साथ आएगा। देख पा रहे हैं हिल रहा है मेरा डैशबोर्ड। तो चलो फिर मैं इसको निकाल के होल्ड करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। जो जो खोलना बाकी है वो खोल के डायरेक्ट मैं निकाल के डैशबोर्ड पलटी मार के फिर आगे आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली अपना डैशबोर्ड खुल गया। अब मेरे को करना क्या है, क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को निकालना है। तो जैसे सेम टू सेम वैगनर, न्यू वाली वैगनर में जो दिया है पीछे का, ये सेम उसी टाइप का दिया है। तो हम इसको नहीं निकालेंगे, यानी हीटर कॉइल वाला पोर्शन नहीं निकालेंगे, सिर्फ कूलिंग कॉइल वाला पोर्शन निकालेंगे जो कि पीछे स्क्रू दिया रहेगा। और इधर 10 नंबर एक नीचे रहेगा और एक उस साइड रहेगा। तो ये सब खोल के, पीछे का स्क्रू खोल के, हम 4-5 स्क्रू रहेगा वो खोल के निकल जाएगा। तो चलो फिर मैं खोलने के लिए स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सब बोल्ट वगैरह खोल चुका हूँ, और मेरे को ये वाला स्क्रू खोलना है, एक, दो, तीन और एक नीचे रहेगा, 4-5 स्क्रू है। ये सब खोल के मैं ये कूलिंग कॉइल वाला पोर्शन को बाहर लेता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। और इसमें कूलिंग कॉइल का प्राइस भी दिखा दूंगा और कूलिंग कॉइल कैसा दिखता है वो भी दिखा दूंगा, ताकि प्राइस का भी बहुत इशू होता है इस वजह से। तो चलो फिर मैं इसको खोल के बाहर लेके फिर दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वहाँ से निकाल के मैं इसको इधर ले लिया हूँ क्लाइमेट कंट्रोल को। तो चलो इसका एवेपोरेटर कॉइल खोलता हूँ मैं, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली मैं खोल दिया हूँ, देख पा रहे हैं आप, ये रही इसकी जूनी कूलिंग कॉइल, नीचे से लीक हुआ है वहाँ से। और नया वाला कूलिंग कॉइल देख लीजिए आप, सबसे पहले आप इनका प्राइस देख लीजिए, क्योंकि प्राइस का बहुत इशू रहता है। 2500 रुपये का है। मैं खोल देता हूँ इसको, अपने को सेंसर भी दिया है, कूलिंग कॉइल में जो सेंसर लगी रहती है वो सेंसर भी दिया है। और इसमें भी ऑलरेडी सेंसर है, तो फिर इसका एक्सटेंशन वाल इसमें लगाने का है मेरे को। तो चलो ये सब लगा करके फाइनल फिटिंग करके फिर अभी आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली नया वाला फिट कर दिया इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं जूनी वाली उधर है। तो चलो फिर मैं इसको फाइनली ले आके गाड़ी में फिटिंग करता हूँ, फिर अभी आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बैठ चुका, अभी डैशबोर्ड डाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली डैशबोर्ड डाल चुके हैं हम, देख पा रहे हैं आप, डैशबोर्ड डाल चुके हैं सब फिटिंग वगैरह करके। अब मेरे को सब बोल्ट वगैरह जितना भी खोला हूँ सब लगा करके फिर आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, फाइनली गाड़ी पूरी फिट हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी गाड़ी फिट हो चुकी है अपना। तो
तो अब मेरे को सिर्फ इसमें गैस मारने का है, गैस डालने का है, वैक्यूम वगैरह करके, गैस वगैरह लीक टेस्ट करके, गैस चार्जिंग करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे बाहर मशीन लगी हुई है, उसमें मैं वैक्यूम में लगा चुका हूँ और गैस चार्जिंग वगैरह करके फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो गाइज, प्रॉपर तरीके से डैशबोर्ड तो पहले ही फिट दिखा दिया मैंने कि फिट हो चुका है, और मैंने इसमें गैस मार दिया, गैस चार्ज हो गया और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 7.1 पे आ चुका है। एसी वगैरह सब चालू है, अभी देख पा रहे हैं आप एसी ऑन है, ब्लोअर दो स्पीड है, 7.2 पे हो गया, अभी 7.1 से 1 पे हो गया फिर से, यानी इसका कूलिंग प्रॉपर हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया डैशबोर्ड खोलने का प्रोसेसिंग, कैसे कैसे मैंने खोला इसका डैशबोर्ड, और कूलिंग कॉइल रिप्लेस करके भी दिखाया, लीक हो चुका था इस वजह से रिप्लेस किया गया। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, बाकी और कुछ नहीं। और आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये सब चीज़ों के साथ साथ मैं आपको प्राइस भी दिखा देता हूँ। प्राइस इसलिए दिखा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको कहाँ कैसे किस प्राइस में मिलती है समझ में आ जाए आपको, यही रीज़न है, बाकी कुछ नहीं। और आप खुद से कर सकते हैं ये सब काम, आप अगर एक बार समझ जाएंगे ना तो खुद से कर सकते हैं आप। तो बस यही रीज़न है कि मेरे को आपको समझाना है, दिखाना है, बस और कुछ नहीं। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।